जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे। और स्वागत है आपका एक नए सफर में, और स्वागत है आपका कोटा रेलवे स्टेशन पे। तो चलते हैं फटाफट, टिकट ले लेते हैं क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, क्योंकि 6:10 पे ट्रेन खुलने वाली है। और अभी फिलहाल बज रहा 6, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी भागते हुए आए हैं और यहाँ से टिकट ले लेते हैं, उसके बाद ट्रेन में भी डिपार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे रीट के लड़के छात्र एकदम ट्रेन को एकदम समझ लीजिए कब्जा कर चुके हैं। तो जल्दी से टिकट लेके और चलते हैं ट्रेन में और दिखाते हैं आपको क्या ट्रेन का स्थिति है। और देखिए दोस्तों, भीड़ लग चुकी है अपनी कोटा पटना एक्सप्रेस में। सारे स्टूडेंट, आज रीट का परीक्षा था और सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, और यहाँ स्टेशन पर भीड़ का ठिकाना नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बच्चे भरे हुए हैं और आज सीट नहीं मिलने वाली है इसमें। और आज हम यात्रा करने के जर्नल कोच में। लगा दो भाई, जयकारा लगा दो राजस्थान की। तो कोटा से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। ट्रेन ऊपर एक अच्छा काम कुछ लोग के तो बैठ जाए नीचे आगे खाने से छोड़े, अब जहाँ जो है वहीं पर बैठ जाए, बात खत्म हो जाए। बैठ कहाँ जाए, बैठ गया तो देख लो, इतना भीड़ है, उतर जाओ, भी स्लो है, स्लो है, नहीं उतर पे बोला क्या, अभी नहीं उतर पे मानते, कोई नहीं मानता है, अभी ढाल ले वहीं पे नीचे, कहां इनको खींचेंगे, जाए पीछे, भेजो पीछे, पीछे इनको पीछे, पीछे कर ले नीचे, हां ऊपर रे भाई, ऊपर आई आदमी के ऊपर, आपको ज्योति का सिंधिया बना जा रहे हैं, देख क्या होता है, स्पाइडर मैन उड्डयन मंत्री बन रहा है, उड्डयन मंत्री बनाए दो जल्द, लोग उड्डयन मंत्री बना दो यार तुम्हें तो। मॉर्निंग मेरे रेल फैन, सुबह के 5 बज चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं यूपी के औद्योगिक राजधानी कानपुर सेंट्रल में। तो कानपुर सेंट्रल अपनी ट्रेन आ चुकी है और हम यहाँ पे अपनी ट्रेन को चेंज करेंगे, क्योंकि रात में आपने देखा है कि कैसे एकदम ट्रेन अपनी खचाखच एकदम परीक्षार्थियों से भरी हुई थी। और हमने कोटा से ट्रेन पकड़ी थी, लेकिन बाद में आपको कुछ दिखाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि हम आपको कुछ दिखा नहीं पाए। बाकी यहाँ पे कानपुर सेंट्रल पे हम अपनी ट्रेन चेंज कर रहे हैं इसकी वजह से, और यहाँ पे हम पकड़ेंगे दूसरी कोई ट्रेन। तो आइए दिखा देते हैं कौन सी ट्रेन की जर्नी होने वाला। और बात करें कानपुर सेंट्रल, कानपुर की, तो कानपुर टोटल नंबर ऑफ प्लेटफार्म 10 प्लेटफार्म का स्टेशन है और 337 ट्रेनों का यहाँ पे हाल्टिंग है, और 30 ट्रेनें यहाँ पे ओरिजिनेट होती है और 30 ट्रेनें टर्मिनेट भी होती है। तो कानपुर पड़ता है अपना नॉर्थन सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज इलाहाबाद मंडल में। बाकी कानपुर तो आप जानते हैं किस लिए फेमस है, कानपुर अपने चमड़ा उद्योग और गुटखा उद्योग और बहुत सारे उद्योगों के लिए फेमस है, क्योंकि यह यूपी की औद्योगिक राजधानी भी है। तो चलिए कुछ ही देर में अपनी ट्रेन आती है, उसके बाद उसको बोर्ड करते हैं और फिर दिखाते हैं कौन सी ट्रेन की अपनी
फिर से जर्नी शुरू होने जा रही है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं ना, तो आपको पता है क्या करना है कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइबर वाला जो बटन है उसको दबा के और सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि और घंटा दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो बने रहिए जर्नी में, दिखाते हैं आपको आगे का हालचाल। तो दोस्तों, गाजियाबाद के वेव 7 इंजन के साथ अपनी आ चुकी है भिरगू एक्सप्रेस है, जो चलती है आनंद विहार से बलिया के बीच में। तो आ चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे और इसी से अब अपना इंटरचेंज करके अपनी जर्नी करेंगे। तो आइए चलते हैं कोच में और दिखाते हैं आपको इसकी जर्नी, क्योंकि कानपुर सेंट्रल में हम लोग बस इसको चेंज किए थे जो कोटा पटना थी, और अब इसमें जर्नी करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इस समय हैं कानपुर सेंट्रल पे और अपनी ट्रेन आ चुकी है कानपुर सेंट्रल का प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और अपनी दूसरी यात्रा यहीं से शुरू होने वाली है, क्योंकि पहले जो ट्रेन पकड़े थे कोटा पटना, उसको काफ़ी भीड़ की वजह से हमने इसको यहाँ पे चेंज किया है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, और अपनी जो दूसरी जर्नी है उसको शुरू करते हैं। 12528 इस ट्रेन की जर्नी अपनी होने वाली है, जो दिल्ली से चलती है रात में 12 बजे और अगले दिन हमको पहुँचाती है 2 बजे के लगभग बलिया। तो इसी ट्रेन की जर्नी वाली है और 888 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है टोटल 14 घंटे में। तो 14 घंटे में आप दिल्ली से बलिया पहुंच जाएंगे। तो ट्रेन का हॉकिंग भी हो चुका है और सुबह के यहां पे आती है कानपुर सेंट्रल पे लगभग 6 बजे को। तो यहां से इसका 6 बजे डिपार्चर है। तो आइए दिखा देते हैं इसका डिपार्चर और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज सीधा प्रयागराज पे, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टॉपेज कानपुर से खुलने के बाद सीधा प्रयागराज ही है। तो आइए दिखा देते हैं इसका डिपार्चर। और दोस्तों, देख लीजिए कानपुर सेंट्रल से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और उस तरफ आ चुकी है गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली गोरखपुर एक्सप्रेस। तो यहाँ से अब अपनी ट्रेन सीधे प्रयागराज रुकेगी। कानपुर सेंट्रल, सुबह के 9 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है प्रयागराज संगम, माँ गंगा की पावन स्थली प्रयागराज में हम आ चुके हैं। इसने ट्रेन का आने का टाइमिंग था 8:25 में, लेकिन ये ट्रेन आई यही आधा घंटा लेट, यानी 9 बजे आई है।
अरे प्रयागराज की तो टोटल 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 205 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्टिंग होता है और 14 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 14 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। तो अपना प्रयागराज इलाहाबाद पड़ता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीज़न में। फेमस है अपने माँ गंगा के लिए और कुंभ के लिए, क्योंकि कुंभ में हर साल लाखों लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, इसीलिए प्रयागराज काफ़ी फेमस है। बाकी यहाँ पे अपने ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्टिंग है और आइए दिखा देते हैं इसका डिपार्चर। तो प्रयागराज से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और अगला स्टॉपेज है इसका ज्ञानपुर, लेकिन ज्ञानपुर स्किप करते हैं और आपको सीधे मिलते हैं बनारस में। प्रयागराज जंक्शन, तो दोपहर के 11 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है बनारस रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन एकदम राइट समय से चल रही है। बाकी ट्रेन तो जाएगी आगे तक बलिया तक, लेकिन हमारी और आपकी जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। और ये छोटी सी जर्नी आपको अगर पसंद आए तो भाई को सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने ऐसे ही अच्छे वीडियो आते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हर हर महादेव, हर हर गंगे और जय हिंद।